नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वोटिंग से दो दिन पहले यानी 8 मई को कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इस चुनाव से पहले ईवीएम का दक्षिण अफ्रीका में इस्तेमाल किया गया था। अब इस आरोप पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि कांग्रेस को इस बात की जानकारी थी कि कर्नाटक में केवल नए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नई ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीबीसी तथा विकिमीडिया फाउंडेशन ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ओर से दाखिल आपराधिक शिकायत पर सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आपराधिक शिकायत में 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री को जारी करने पर रोक लगाने तथा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की छवि खराब करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से उन्हें रोकने का अनुरोध किया गया है। रेलवे अपने विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में अग्निवीरों को गैर राजपत्रित पदों पर 15% आरक्षण प्रदान करेगा। अग्निवीरों को आयु और फिटनेस परीक्षण में छूट दी जाएगी। रेलवे की ओर से अग्निवीरों को लेवल 1 में 10% और लेवल 2 पर और उससे नीचे के गैर राजपत्रित पदों में 5% आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिया जाएगा। यह आरक्षण बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, पूर्व सैनिक और पाठ्यक्रम पूरा कर अधिनियम अप्रेंटिस को मिलने वाले आरक्षण के समान होगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ऑप्टिकल जनरेशन मिक्स 2023 रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने 2022-23 में 73% बिजली कोयले से उत्पन्न की। 2030 तक यह घटकर 55% तक हो जाएगी। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कोयले की हिस्सेदारी लगभग आधी हो जाएगी और इसकी जगह नवीकरणीय ऊर्जा ले लेगी। नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा में वे सभी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है। इसके तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस और जैव ईंधन का सहारा लिया जाएगा। सावन से पहले काशी को 2000 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में काशी वासियों को ये सौगात देने आ सकते हैं। प्रशासन ने जून में पूरी होने वाली परियोजनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है। साथ ही इन परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन भी शुरू हो गया है। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मानव समाज में नर्सों की अहम भूमिका को लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कोरोना काल में नर्सों की भूमिका का जिक्र करते हुए उनका आभार जताया है। साथ ही पूरे नर्स समुदाय को इंटरनेशनल नर्स डे की बधाई भी दी है। उपमंडल देहरा के अंतर्गत पंचायत खबली के सैनिक विकास चौधरी को अदम्य साहस और रण कौशल दिखाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। 9 मई को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पदक दिया। विकास को यह सम्मान गत वर्ष जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ के दौरान आतंकी को मारने पर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, जहां वे 22 जून 2023 को अमेरिका में राजकीय रात्रि भोज में शामिल होंगे। विदेश विभाग के उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा है कि राजकीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के सदस्यों की मेजबानी करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ भारत की महत्वपूर्ण साझेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल महाराष्ट्र सियासी संकट मामले में फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए बुलाना संविधान सम्मत नहीं था। अब शीर्ष अदालत के इस फैसले पर कोश्यारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने फैसले का बचाव करते हुए न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है कि ठाकरे के इस्तीफे के कारण मुझे मजबूरी में यह निर्णय लेना ही पड़ा। अगर कोई मेरे पास अपना इस्तीफा लेकर आता है तो क्या मैं उससे कहूँ कि आप इस्तीफा मत दीजिए। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में कुल 87.33% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम जोन ने 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। बता दें कि छात्राओं का रिजल्ट छात्रों से 6% बेहतर रहा है। लड़कों का रिजल्ट जहां 84.67% रहा, वहीं लड़कियों का रिजल्ट 90.68% है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का चेहरा हो सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार ने ये संकेत गुरुवार को शरद पवार से मुलाकात के बाद दिए। चक्रवाती तूफान मोका तेजी से उत्तर बिहार की ओर बढ़ रहा है। इसके मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बहुत भीषण चक्रवात में बदलने की संभावना है। तूफान के बांग्लादेश के काकस बाजार और म्यांमार के क्योकपियों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 150-175 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। भारत में कोविड-19 के 1,580 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 19,613 से घटकर 18,009 हो गई है। यह जानकारी शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों से मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4.49 करोड़ हो गई है। उपचाराधीन मामले में कुल संक्रमणों का 0.04% है।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने दावा किया है कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है। बजरंग पूनिया ने यह दावा करते हुए कहा है कि आजकल हमारे फोन नंबर को ट्रैक किया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे हमने कोई अपराध किया है, जो भी हमारे संपर्क में है उसे ट्रैक किया जा रहा है। बता दें कि बड़ी संख्या में भारत के किसान यूनियन एकता के लोग पंजाब से जंतर मंतर पहुंचे थे, इसमें अधिकतर महिलाएं थी जिन्होंने पहलवानों को अपना समर्थन दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी भाजपा चुनौती देते हुए नए सिरे से चुनाव लड़ने को कहा है। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आइए सभी नए चुनावों का सामना करें और लोगों को अंतिम निर्णय लेने दें। जैसा कि मैंने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। स्पीकर को जल्द से जल्द मामले पर फैसला लेनी चाहिए, अगर वह कोई गलत फैसला देते हैं तो हम फिर कोर्ट जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार आधार राशन कार्ड को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक करोड़ों राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया। अगर आपका राशन कार्ड और आधार लिंक नहीं हुआ है तो सरकार की तरफ से राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने आखिरकार iOS प्लेटफॉर्म के लिए पेटीएम UPI लाइट सपोर्ट की घोषणा कर दी है। अब आईफोन यूजर्स को UPI पिन के बिना सुरक्षित और तेज लेनदेन करने की सुविधा मिलेगी। यह iOS के लिए UPI लाइट सपोर्ट के साथ आता है, जो पेटीएम में कई नई विशेषताओं को भी शामिल करता है, जैसे UPI पर रुपए, क्रेडिट कार्ड, स्प्लिट बिल और मोबाइल नंबर को छिपाने वाले वैकल्पिक UPI ID। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर कोर्ट के निर्देशों के बाद आज यानी शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने मामले की स्थिति रिपोर्ट अदालत में सौंपी है। पुलिस ने अदालत को बताया है कि उन्होंने आज दोपहर को करीब 2 बजे CRPC की धारा 164 के तहत पहलवानों को बयान दर्ज करा लिए हैं। दिल्ली के मेयर डॉक्टर सैली ओबेरॉय अपने दूसरे कार्यकाल में पहले से ज़्यादा सक्रिय हैं। वह लगातार MCD अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुँच रही हैं। आज एक बार फिर डॉक्टर सैली दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल पहुंची, जाकर व्यवस्थाओं को देखकर काफ़ी हैरान हुई। उन्होंने मौके पर मौजूद चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों को हिदायत देते हुए जल्द से जल्द वहां की व्यवस्थाओं को सुधारने का निर्देश दिया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इकबाल भी इस मौके पर उनके साथ थे। वेस्ट इंडीज की टीम को इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए क्वालिफायर खेलना होगा। विश्व कप क्वालिफायर जून में जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। इसके लिए 15 सदस्यीय वेस्ट इंडीज टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में ऑलराउंडर कीमो पॉल और बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती को जगह मिली है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले वेस्टइंडीज की टीम UAE से 3 वनडे की सीरीज भी खेलेगी। इसके लिए भी 15 सदस्यीय टीम घोषित की गई है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सुरक्षा में कटौती करने पर पंजाब सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा है कि उन्हें कितना खतरा है इसका पता लगाया जा सकता है। पहले खतरे के आधार पर ही उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई थी, वहीं अब उस खतरे के आधार पर उनकी सुरक्षा Y+ की गई है। बागेश्वर धाम वाले बाबा का दरबार पटना के नौबतपुर में लगने जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर बिहार के सियासी गलियारा गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर BJP ने भी सत्ता पक्ष को ललकार दिया है। दोनों ही ओर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इसी बीच पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के नए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को शुक्रवार को झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की जज जस्टिस अमृता सिन्हा ने निकाय भर्ती घोटाले की CBI जांच बहाल रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने निकाय भर्ती भ्रष्टाचार जांच की CBI जांच के आदेश दिए थे। अब शुक्रवार को देखा गया है कि जस्टिस अमृता सिन्हा की कोर्ट ने भी उसी आदेश को बरकरार रखा। ईडी ने तृणमूल नेता अयान सिल के घर की तलाशी के दौरान निकाय भर्ती में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। ईडी ने अदालत को बताया था कि साल्ट लेक में अयान सिल के कार्यालय से बरामद दस्तावेजों से पता चलता है कि बंगाल के कम से कम 60 नगर पालिकाओं में भरे पैमाने पर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर बैन के मामले में बंगाल और तमिलनाडु सरकारों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सवाल किया है कि फिल्म देश के दूसरे हिस्सों में चल रही है तो पश्चिम बंगाल में यह बैन क्यों होनी चाहिए। मामले की सुनवाई अगले बुधवार तक टाल दी गई है। बता दें कि फिल्म 5 मई को रिलीज हुई थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मूवी पर बैन लगा दिया था, साथ ही तमिलनाडु के थिएटर में मालिकों की भी स्क्रीनिंग रोक रखी थी। इस बैन के खिलाफ फिल्म प्रोड्यूसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा समेत गुजरात के निचली अदालतों के 68 जजों को बड़ा झटका देते हुए उनके प्रमोशन पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। सूरत के CGM हसमुख भाई वर्मा ने ही पिछले दिनों मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के जेल से रिहाई के खिलाफ BJP के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। अब एक बार फिर आनंद मोहन के भाग्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, जिसे तय होगा
कि उनकी रिहाई ठीक है या वापस जेल भेजे जाएंगे, और जेल जाएंगे तो 2027 में रिहा होंगे या आजीवन जेल में ही रहेंगे। पाकिस्तानी अभिनेत्री सहर सिनवारी ने ट्वीट किया है कि मैं भारतीय पीएम के इस्तीफे की मांग करती हूँ। मैं तब तक विरोध करती रहूँगी जब तक वह मेरे देश में आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं कर देते और अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। मुझे 100% यकीन है पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान में सैन्य किस्तों पर हमला करने वाले भारत के सैनिक पीटीआई समर्थक नहीं थे। वास्तव में पीटीआई शांतिपूर्ण विरोध कर रही थी, लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए अज्ञात लोगों ने उनके धरने में प्रवेश किया और हंगामा शुरू कर दिया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, यूएन को इस पर ध्यान देना चाहिए। रूस से बंपर तेल आयात के कारण भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, यानी भारत रूस से सामान खरीद तो खूब रहा है लेकिन उसे बहुत कुछ बेच नहीं रहा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों के मुताबिक चीन के बाद भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा रूस के साथ है। भारत कोशिश कर रही है कि व्यापार के लिए रुपये रूबल मैकेनिज्म का ही इस्तेमाल हो। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब रामास्वामी ने ऐलान किया है कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वोट देने के नागरिक कर्तव्य कानून में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के तहत वोट देने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाएगी। साथ ही अगर कोई 18 साल की उम्र में वोट देना चाहेगा तो उसे 6 महीने तक सेना में सेवाएं देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। पीएम मोदी डॉक्यूमेंट्री मामले में बीबीसी ने दिल्ली की कोर्ट को उसकी हद बताकर कहा है कि उसे अधिकार नहीं है जो वो उसके खिलाफ मानहानि का केस चलाए। पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के मामले में बीजेपी के एक नेता ने बीबीसी पर रोहिणी कोर्ट में केस दायर किया था। मानहानि के केस में बीबीसी की तरफ से पेश वकील ने कहा है कि हेग कन्वेंशन के तहत विदेशी कंपनी के खिलाफ आप यूं ही केस नहीं चला सकते हैं। हेग कन्वेंशन में हमें जो अधिकार मिले उसके तहत भारत की अदालत उसके खिलाफ मानहानि का केस नहीं चला सकती। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है एमडी साकिर हुसैन, नुन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, संजय चौधरी और दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विवादों में फंसी फिल्म द केरल स्टोरी पर आपके क्या विचार हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।